हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप ये वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सरो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने नेटवर्क के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और यदि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में बताना चाहूँगा, नेटवर्क सिंपल दो या दो से अधिक डिवाइसेस अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो सिंपल नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब ऐसे में ये डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं या फिर कंप्यूटर हो सकता है या फिर कोई लैपटॉप हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो नेटवर्क के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली नेटवर्क के तीन मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है लैन नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लैन नेटवर्क की, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का यूज आप एक घर पे कर सकते हैं, एक बिल्डिंग में कर सकते हैं या फिर अपने ऑफिस में कर सकते हैं। इससे बाहर यानी इससे दूर तक आप इस नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद जो अगला नेटवर्क आता है, जिसका नाम है मैन नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का यूज आप बेसिकली मल्टीपल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एक नेटवर्क बिल्डिंग में आ रहा है और आप उस नेटवर्क को मल्टीपल बिल्डिंग से पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस नेटवर्क की मदद से आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपका कोई ऑफिस है दिल्ली में और वहां पर आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और आप उस दिल्ली के जो मेन ऑफिस है उससे बहुत सारे ऑफिस को कनेक्ट करना चाहते हैं यानी जोड़ना चाहते हैं, तो आप मैन नेटवर्क से कर सकते हैं। अगर ऐसे में आप लैन नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहें तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि लैन नेटवर्क की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मैन नेटवर्क। इसके बाद जो अगला नेटवर्क आता है, जिसका नाम है वैन नेटवर्क, जिसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का बेसिकली यूज आप एक शहर या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के नेटवर्क को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। इसका सीधा और सिंपल एग्जांपल है इंटरनेट। आपने देखा है कि आप इंटरनेट को दुनिया में कहीं पे भी जाके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वैन नेटवर्क का। तो ऐसे में अब आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे कि लैन मैन नेटवर्क क्या होते हैं, तो आइए इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस पता कर लेते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि आखिर इनके बीच में क्या डिफरेंस है और ये है क्या। लैन, वैन और मैन नेटवर्क के बीच में सबसे पहला डिफरेंस यह है कि लैन नेटवर्क को आप एक बिल्डिंग, एक घर या फिर एक ऑफिस तक ही यूज कर सकते हैं। मैन नेटवर्क को आप मल्टीपल बिल्डिंग्स या फिर एक शहर तक यूज कर सकते हैं, और वहीं पर आप वैन नेटवर्क को मल्टीपल सिटीज या फिर मल्टीपल कंट्री में यूज कर सकते हैं। लैन नेटवर्क की रेंज होती है 10 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, और वहीं पर मैन नेटवर्क की रेंज होती है 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, और वैन नेटवर्क की रेंज होती है 1,00,000 किलोमीटर तक। लैन नेटवर्क का सिंपल एग्जांपल है ईथरनेट या फिर वाईफाई, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं। मैन नेटवर्क का सिंपल एग्जांपल है केबल सिटी नेटवर्क, जो आप अपने घरों में देखते हैं, और वैन नेटवर्क का सिंपल एग्जांपल है इंटरनेट, जिसे आप दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के कितने टाइप्स है, लैन वैन और मैन नेटवर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और यदि आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।